साथी की ये साहब के सामने कार्यक्रम अपना देना चाहते थे। और आप जानते हैं संगीत का बहुत बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी अभियान के लिए। आपने पीछे भी देखा होगा जितने जन आंदोलन जंतर मंतर पड़े हुए हैं उसमें संगीत की अपनी एक भूमिका रही है। साउंड बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए हेलो ये माइक थोड़ा सा ठीक करा दो। अब मैं उस आवाज को अपने इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनको सुनने के लिए हम सभी साथी पिछले 5 घंटे से यहां बैठे हैं। और साथ ही साथ ये भी सर को आश्वासन देते हैं कि इतना ही नहीं और साथ ही साथ ये भी आश्वासन देते हैं स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए साहब जब भी अपना इशारा हमें देंगे उनकी तरफ हम लोग पूरे इसी बहुमत के साथ उनके साथ होंगे। अब मैं उस आवाज को यहाँ पर मंच पर बुला रहा हूँ श्री योगेंद्र यादव जी नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर्स। श्री योगेंद्र यादव जी का तालियों के साथ स्वागत करें। श्री योगेंद्र यादव जी यहाँ विकास नगर के सभी नागरिकगण आज की सभा आयोजित करने के लिए अथक प्रयास करने वाले भाई रमेश सोनी जी हम सब से मिलने के लिए उत्तरी दिल्ली के छोर कोने से आए हुए विधायक तिमारपुर भाई पंकज पुष्कर जी जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बात अभी रखी। दूर हैदराबाद से हमारे साथ अमन कमेटी का पैगाम लेके आए आदिल मोहम्मद साहब, दिल्ली के संयोजक कर्नल जयवीर सिंह जी, कर्नल एरावत साहब, हमारे स्वराज अभियान के अमन कमेटी से जुड़ी हुई इंदिरा जी, नवी भाई आशना जी। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आने में देर हुई, आप लोग इंतजार कर रहे थे। सच बात तो ये है कि मैंने साथियों को फोन करके इसकी इजाजत मांगी कि आज मैं ना आऊं, क्योंकि 2 अक्टूबर से हम एक नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ कर रहे हैं। जानते हैं उससे पहले बहुत काम होते हैं संविधान बनाने का ये सब, उसमें से एक काम अटका हुआ था तो मैंने फोन करके इजाजत ली। मैंने कहा देखिए आज अगर आप माफी दे दें, उन्होंने कहा नहीं 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 5 मिनट बोलना है 10 मिनट बोलना है आ जाओ। मैंने कहा कि वो बात 10 मिनट की नहीं है, बोलने में 10 का 15 मिनट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने में 2.25 घंटा लगेगा, वापस जाने में 2.25 घंटा लगेगा, वहां पटपड़गंज से आता हूँ। लेकिन हमारे आदिल साहब का इतना प्यार है और इतना हक है इनका हम सब पे कि इन्होंने कहा नहीं आपका नाम लेके सभा बुलाई गई है आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं आऊंगा, तो उस वजह से मैंने कहा काम का एक टुकड़ा कम से कम खत्म करके यहाँ पे आओ, इस वजह से दी हुई क्षमा प्रार्थी। क्या आए हुए साथी सोच रहे होंगे देख रहे होंगे ये क्या सभा है, स्वराज अभियान कौन है, क्या काम करते हैं ये लोग? देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, बैनर पे किसी की फोटो भी नहीं है। रास्ते में मैं देखते हुए आ रहा था कि कांग्रेस अभी अपने कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन करने वाली है, अब सम्मेलन में कितने लोग आएंगे पता नहीं, लेकिन बैनर के ऊपर बहुत लोगों की फोटो लगी हुई थी, सबकी फोटो लगी हुई थी। मैं अपने घर कॉलोनी से बाहर निकलता हूं तो एक बड़ा सा बैनर लगा होता है गौ रक्षा कीजिए, अच्छी बात है भाई, गौ की फोटो इतनी है और गौ रक्षा के लिए आमंत्रित करने वाले की फोटो इतनी बड़ी है, तो मैं सोचता हूं भाई गौ की रक्षा है कि आपकी रक्षा हो रही है, क्या मामला हो रहा है। और तो और
दिल्ली में मैं घूमता हूँ तो हर जगह पे डेंगू चिकनगुनिया के मच्छर की फोटो होती है, मच्छर के मच्छर बेचारा छोटा है, मुख्यमंत्री का चेहरा ज्यादा बड़ा होता है। और बाद में वो शिकायत करते हैं कि दिल्ली में डेंगू है तो लोग मेरे को इल्जाम क्यों दे रहे हैं। अरे साहब, अगर आप चाहेंगे कि यहाँ डेंगू के मच्छर के साथ आपकी फोटो लगे तो जब डेंगू का मच्छर परेशान करेगा तब लोग आपको याद तो करेंगे ना, इतना तो होगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ कोई अपने फोटो नहीं लगाई है। हमारे साथी चाहते थे, स्थानीय साथी, कौन नहीं चाहता है, तो स्वाभाविक इंसान की एक प्रवृत्ति है। और सब तरफ आजकल इसका चलन भी हो गया है। लेकिन स्वराज अभियान में हमने कहा हम यहाँ समाज का काम करने आए हैं, अपनी फोटो लगाने, किसी व्यक्ति की पूजा करने, किसी एक व्यक्ति को बढ़ाने नहीं। लोग सोचते हैं स्वराज अभियान क्या काम करता है। आज से सवा डेढ़ साल पहले 14 अप्रैल को जब स्वराज अभियान बना तो लोगों ने सोचा ठीक है भाई, ये भी जैसे राजनीतिक लोग हैं, पहले ये राजनीतिक थे, आम आदमी पार्टी में सब लोग थे, हमारे ज्यादातर साथी आम आदमी पार्टी में थे, तो लोगों ने सोचा ठीक है उससे अलग हुए हैं। अब जैसा आमतौर पे होता है, एक पार्टी अलग होती है, सारा दिन रात सुबह शाम उसकी आलोचना करती है कि ये गलत है, इसने ये गलत किया, वो गलत किया। और हमने क्या किया, स्वराज अभियान पिछले एक साल में सबसे ज्यादा कोई एक काम स्वराज अभियान ने किया तो क्या किया, इस देश में जो सूखा था, देश के इतने 12 राज्यों में सूखा था, तो हम सूखे की यात्रा पे गए, जहां जहां किसान की हालत खराब थी वहां वहां गए, किसान के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए अपील की, सुप्रीम कोर्ट में गए, कहा कि भाई किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा, आप वो सब कीजिए, बुंदेलखंड के अंदर लोग भूखे मर रहे थे, उनके लिए खाने का इंतजाम करने हम गए, पत्रकारों ने पूछा, यहां भी पत्रकार साथी, तो पत्रकारों ने पूछा क्यों जी बुंदेलखंड में चुनाव लड़ेंगे आप, हमने कहा भाई इस बुंदेलखंड में हमें पार्टी के हमारे संगठन का कोई यूनिट नहीं है और इस सूखे की यात्रा के बाद बनेगा नहीं, और कहीं भी लड़ेंगे बुंदेलखंड में चुनाव नहीं लड़ने वाले। तो किसी पत्रकार ने पूछा सर जब चुनाव ही नहीं लड़ना तो काम क्यों कर रहे हो, हमने कहा भाई स्वराज अभियान और दूसरों में यही फर्क है, बाकी लोग समाज सेवा के नाम पे राजनीति करते हैं, स्वराज अभियान राजनीति के नाम पे समाज सेवा करता है। जब हम बने पहले दिन से हमने साथियों को कहा कि भाई अपना सारा समय हमें दूसरों की निंदा में नहीं लगाना है, हमें समाज के लिए काम करना है। हमने कहा कि दिल्ली के कोने कोने में हम स्वराज केंद्र खोलेंगे और ये स्वराज केंद्र क्या करेंगे, जनता की जो दुख तकलीफ है, जनता के जो कष्ट हैं, छोटे छोटे काम लोगों के होते हैं कि भाई आधार कार्ड बनवा दो, ये पेंशन वाला विधवा कार्ड बनवा दो, पेंशन लगवा दो, राशन कार्ड की समस्या होती है, छोटे छोटे काम लोगों के होते हैं। हमने कहा हमारा स्वराज केंद्र बनेगा और अगर आप सब लोग जाएंगे तो यहाँ और भी होगा, एक स्वराज केंद्र हमारे साथी चला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी अगर बस चले तो दिल्ली के हर मोहल्ले में एक स्वराज केंद्र खोलें। और स्वराज केंद्र में हमने क्या कहा भैया, स्वराज केंद्र में जो आए जिस पार्टी का हो कोई फर्क नहीं है, सबका काम करना है, सबकी मदद करनी है, क्योंकि हमें इस दिल्ली शहर के और देश के हर नागरिक को वो बल देना है। स्वराज का मतलब नागरिक नेताजी की तरफ टुकुर टुकुर करके ना देखे कि नेताजी कब आएंगे, कब जाके मिलने, कोठी में तो है नहीं आज, इसकी बजाय नागरिक में खुद बल आ जाए, मैं अपना काम खुद करवा लूंगा, मैं जानता हूं कैसे काम करवाना है, यही सच्चा स्वराज है। तो हमने कहा हमारे स्वराज के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस में हमारे आदिल भाई ने पूरे देश के हमारे अमन का जो अभियान है, अमन कमेटी, उसका एक कन्वेंशन बुलाया। तो स्वराज अभियान क्या काम कर रहा है, एक काम तो कर रहा है
किसान वाला, दूसरा कर रहा है स्वराज केंद्र वाला, एक काम कर रहा है अमन कमेटी वाला। अमन कमेटी की इन्होंने बैठक बुलाई, देश भर के साथी आए, यहाँ पे कई साथी बैठे हैं, पहुंचे थे वहां पे, फिर वहां पत्रकार आए, पत्रकारों ने पूछा सर बनारस में आप मीटिंग कर रहे हैं, इसका बहुत महत्व है, पूरे देश की मीटिंग बनारस में आप कर रहे हैं, बहुत महत्व है। मैंने कहा भाई क्या महत्व है? कहते जी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, आप यूपी का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो। मैंने उन्हें कहा भैया आपको दिखते होंगे यूपी में चुनाव, मुझे अगले साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव नजर नहीं आता, मुझे सिर्फ दंगा नजर आता है। उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने की पूरी कोशिश हो रही है, और सिर्फ एक तरफ से नहीं, मैंने खुल के बोला सबके सामने कि ये जो पिछली बार दंगा करवा के देश भर में चुनाव जीत गए थे वो भी, और आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार काबिज है वो भी, दोनों की इच्छा है कि किसी ना किसी तरह दंगा हो जाए। अगर हो गया उत्तर प्रदेश में दंगा तो एक तरफ लोग पढ़ के पढ़ेंगे हाँ भाई हिंदुत्व तो खतरे में, चलो इनके साथ जाओ, दूसरी तरफ मुसलमान कहेगा हाँ भाई बड़ा खतरा है, चलो ले देके जो पार्टी है सत्ता में जैसी भी है, काम कुछ नहीं किया पर वोट इसी को जाके देके आए। तो दोनों चाहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों को घेरने की तैयारी है दंगे के तारे। तो मैंने कहा स्वराज अभियान चुनाव लड़ेगा या नहीं मैं तो नहीं जानता, मेरे ख्याल से तो नहीं लड़ेगा उत्तर प्रदेश में चुनाव, लेकिन अगर हम कोई एक काम करेंगे तो वो ये कि अगले एक साल में उत्तर प्रदेश में दंगा ना होने पाए, इसकी हमको हमारे लिए सबसे बड़ी राजनीति यही है, हमारे लिए सबसे बड़ा देश धर्म यही है, सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति यही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस देश के अंदर झूठी राष्ट्रभक्ति चल रही है, झूठा देश प्रेम चल रहा है, और टीवी के ऊपर बैठ बैठ के बड़े बड़ी बातें हो रही हैं। पिछले 8-10 दिन से हफ्ते भर से उड़ी की घटना के बाद से बहुत कुछ हो रहा है। स्वराज अभियान के सभी साथियों ने परसों शाम को ही जाके इंडिया गेट पे जाके उन सब शहीदों को सलाम किया। उसकी सबसे सुंदर बात मुझे यही लगती है, इंडिया गेट के ऊपर जो बना हुआ है गुम नाम सैनिक का एक बना हुआ, आपने देखा होगा इंडिया गेट में जाओ तो वहां सैनिक के लिए एक जो स्मारक बना है उस पे किसी की फोटो नहीं है, किसी का चेहरा नहीं है, किसी की मूर्ति नहीं है, वो एक अनाम सैनिक, ये जो गुम नाम मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं देश को बचाने के लिए, वो सियाचिन में खड़े होते हैं, वो जाके हमारे लिए रण ऑफ कच्छ में खड़े होते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में खड़े होते हैं, तब आप और मैं शांति से अपने घर में सो सकते हैं। उनकी याद में हम सब साथी परसों इकट्ठे हुए, वहां जाके खड़े हुए, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं आज? उस 20 शहीद लोगों का नाम लेके आज देश में उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है कि करो जवाब, कड़ा जवाब दो, क्यों नहीं प्रधानमंत्री देते जवाब, पहले तो बड़ी बातें करते थे, कर दो चढ़ाई, ये कर दो, वो कर दो। हमारे एक दोस्त ने कहा कि जो टेलीविजन पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सबसे पहले तो इनको भेजा जाना चाहिए वहां जाके लड़ो, अपनी बहादुरी वहां जाके दिखाओ, टीवी के ऊपर मत दिखाओ। कई लोगों ने कहा, कह रहे जब कांग्रेस सरकार में थी तब नरेंद्र मोदी भी यही भाषा बोला करते थे कि पाकिस्तानी आ गए हमारे साथ ये कर गए, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, कुछ करना चाहिए। मैंने कहा भाई सच बात है, उन्होंने नासमझी की थी जब वो अपोजिशन में थे, पर अगर प्राइम मिनिस्टर बनके, अगर मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सोच रहा है